questão no comércio. ये है गुड़ और ये है पानी में रखा हुआ गुड़ और लहसुन। और हम इसमें मिला रहे हैं एक चम्मच घी। अब हो गया, इसमें हम डालने वाले हैं पानी मिक्स नहीं करना है ज्यादा, चावल भी थोड़ा ही सब डाले हैं और ये पुआ के लिए, इसको ठेकुआ भी बोलते हैं, पुआ भी बोलते हैं गांव में, यहाँ भी सब लोग। और ये हम लोग यहाँ खासकर गुड़ और घी का प्रसाद छठ में बनता है, तो कभी कभी हम लोग बीच में भी ठंडा के मौसम में बनाते रहते हैं, तो आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स। गुड़ तो ऐसे भी गर्म होता है, इसमें हम डाल दे रहे हैं आधी इलायची इसमें और आधी खीर के लिए। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, सब खत्म हो गया है। ओफो, कितना खुशबू आ रहा है घी का, तो खुशबू पहले ही से, पकने से पहले ही खुशबू दे रहा है अपना एक हुआ। ये जो कहीं कहीं गोल छोटा छोटा बच जा रहा है उसे भी हम कर ले रहे हैं। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा और पानी लगने वाला है। थोड़ी थोड़ी पानी देकर आप इसको छान लीजिए और गुड़ मिला दिए हैं। सान कर भी बनाया जाता है, तो वो जिनको दांत नहीं है उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, जो एकदम फूल जाता है, खिला खिला हुआ बनता है पुआ। और हम लोग को ऐसे ही वाला अच्छा लगता है, जो ज्यादा ना तोड़े आटा को, मिक्स ना करें, सिर्फ ऐसे करके। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, पानी हटा ले। अब हम इन गैस को जला लें और ये लोहे का कढ़ाई, पूजा में अक्सर लोहे का या पीतल का ही कढ़ाई यूज
किया जाता है यहाँ पर, या कोई भी कढ़ाई बनाइए हैंडलूम का भी, उसमें भी अच्छा बनता है, पर अल्मुनियम में नहीं, पतला वाला जो होता है। तो ये इसी में पकते रहेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में चीनी डाला जाएगा। ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आधा ही दिखा रही हूँ। चावल पकने तक इसका आंच कम रखेंगे। और ये हो रहा है, तो ये घी में आज नहीं बनाएंगे, ये बना रहे हैं रिफाइंड सोया बीन ऑयल। थोड़ा और आंच कर दूं इसको, थोड़ा सा और कम, कि उबाल आकर फेंके ना, इससे में पकता रहे। कढ़ाई में डालने वाली हूँ सोया सोया ऑयल। लंबा या गोला जैसा मन हो से आप बनाइए। गुड़, घी, आटा, इलायची, नारियल है तो नारियल डाल दीजिए, और सारे फ्रूट बादाम डालिए या मूंगफली डालिए। देखिए सांचा है, पर अभी इतना के लिए सांचा का यूज क्या करना, इसलिए हाथ से ही बना ले रहे हैं।